डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीआई एजु हब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री से बड़े जो एंगल होते हैं उनको, उनके लिए हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, इनको कैसे फाइंड आउट करें, तो उसके लिए हम कुछ बेसिक चीज़ें सीखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको बोला गया कि साइन 240 की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ये डायरेक्ट वैल्यू अपने को पता नहीं होती है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखो, कुछ बेसिक सीखते हैं उसके लिए। तो ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखो, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें एंगल 0 से 90 के बीच में रहेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। और ये है अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर है? देखो, यहाँ पर एंगल 0 है, ऐसे जाएंगे, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, फिर 90 और 90, 180, 180 और 90, ये हो जाएगा 270, फिर और इसमें 90 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 360। क्लियर है? डिग्री में है ये एंगल। इस क्वाड्रेंट में जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच में रहेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल है ये 90 से और 180 के बीच में रहेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल हैं वो 180 से 270 के बीच में रहेंगे, और इसमें रहेंगे 270 से 360 डिग्री। क्लियर है? तो ये अपना एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें अपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, ये सब पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। क्लियर है? तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया साइन 60 की वैल्यू बताओ भी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, तो अपने को पता है 60 जो डिग्री होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो उसमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन हो चाहे कोस हो चाहे टेन हो, सब पॉजिटिव होंगे, तो साइन 60 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कोट 60 की वैल्यू है ये भी पॉजिटिव होगी। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो सब पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन थीटा और कोसेक थीटा हैं, ये तो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी के जो फोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो नेगेटिव रहेंगे, तो साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव रहेगा, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव रहेगा, टेन थीटा और कोट थीटा इसमें पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। इसमें कोस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले जब भी आपको एंगल पूछता है कि भाई जैसे साइन 135 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करो, क्लियर है कि नहीं, साइन 135 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले तो अपने को ये पहचानना होगा कि ये जो एंगल है 135 डिग्री, ये कहाँ पे लाई करेगा। तो अपने को पता है, देखो 135 सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट स्टेप यही होगी, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज। क्लियर है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया कोस 240, तो कोस 240, तो 240 डिग्री का जो एंगल होता है ये अपने को पता है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, बिकॉज इसमें जो एंगल होते हैं ये 180 से 270 के बीच में होंगे, तो 240 इसी में एग्जिस्ट करेगा, तो ये पता चल जाएगा। तो सबसे पहले स्टेप जो है वो यही होगी कि आइडेंटिफाई, फर्स्ट जो स्टेप है ये अपनी यही रहेगी, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाई, एंगल स्लाइस। ठीक है? उसके बाद अपने को ये देखना है कि उस क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो पॉजिटिव होंगे, कौन से नेगेटिव होंगे। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे
साइन 240 डिग्री, इसकी वैल्यू अगर अपने को फाइंड आउट करनी है तो देखो 240 जो डिग्री है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और इसमें साइन कैसा होता है, तो देखो इसमें टेन और कोट तो पॉजिटिव होगा, साइन थीटा कैसा होगा, नेगेटिव। तो अपने को ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि साइन 240 डिग्री की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आनी है। अब कितनी आनी है उसके लिए हम डिस्कस करते हैं, क्लियर है। तो ये है सेकेंड स्टेप अपनी कि जो जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल रहे हैं वो कौन सी क्वाड्रेंट में है और किस में वो पॉजिटिव होगा किस में वो नेगेटिव होगा। ओके, थर्ड स्टेप अपनी ये रहेगी, देखो ये वाली जो लाइन है इस पर एंगल है अपने 90 और 270। तो देखो जब भी 90 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा हम करेंगे तो अपने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो चेंज हो जाएंगे। मतलब क्या है कि साइन जो है ये चेंज हो जाएगा, साइन थीटा चेंज हो जाता है कोस थीटा में और कोस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। ऐसे टेन थीटा जो है ये चेंज हो जाएगा कोट थीटा में और कोट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। और जो सेक थीटा है ये चेंज हो जाएगा कोसेक थीटा में और कोसेक थीटा है ये चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। क्लियर है, इसका मीनिंग क्या है, क्या काम करेंगे ये अभी हम डिस्कस करेंगे जब एग्जांपल पढ़ेंगे। उसके बाद अगर अपना जो एंगल है वो 180 इस वाली लाइन पर 180 प्लस माइनस थीटा है तो उस केस में ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जो साइन है वो साइन में ही रहेगा, कोस है वो कोस में ही रहेगा, टेन है वो टेन में ही रहेगा। अगर एंगल 90 प्लस माइनस थीटा है या फिर 270 प्लस माइनस थीटा है तो फिर साइन चेंज होता है कोस में, कोस चेंज होता है साइन में। तो ये चेंजेस अपने को पता होने चाहिए। अब कुछ एग्जाम्पल हैं उनसे समझते हैं कि कैसे हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एंगल की। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ये चीज़ें आपको बार बार हर जगह काम में आएंगी। जैसे मान लो अपने को बोला गया कि आप वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड साइन 150 डिग्री, इसकी वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। तो देखो सबसे पहले अपने को ये फाइंड आउट करना है कि 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आंसर है 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसमें जो साइन थीटा है ये पॉजिटिव होगा तो अपने को पता होना चाहिए साइन 150 डिग्री की जो वैल्यू आएगी दैट इज पॉजिटिव आएगी, ये अपने को क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। अब कितनी होगी उसके लिए देखो क्या करेंगे, तो साइन 150 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो दो तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। 150 डिग्री को हम लिख लेंगे साइन 90 प्लस 60, लिख सकते हैं 150 को 90 प्लस 60 लिख देंगे। तो अब ये देखो ये है साइन 90 प्लस थीटा है ये, तो देखो जब भी 90 प्लस थीटा होगा तो उस केस में जो साइन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। तो इसको हम लिख देंगे, देखो ये साइन 90 प्लस थीटा है तो इसको हम लिख देंगे कोस थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री, और कोस 60 की वैल्यू तो अपने को पता ही होती है, ये होता है 1/2। तो आंसर आ गया कोस साइन 150 डिग्री की वैल्यू 1/2। इसको आप चाहो तो देखो ऐसे भी कर सकते थे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, साइन 150 को आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस 30, क्लियर है, सेम ही बात है। अब देखो ये है साइन 180 प्लस माइनस थीटा वाला फॉर्मेट है, तो 180 प्लस थीटा होता है तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ये जो साइन है ये साइन में ही रहेगा, तो साइन 180 माइनस थीटा ही हो जाएगा साइन थीटा, साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो दोनों केस में देखो आंसर तो सेम आ रहा है बट मेथड अपना डिफरेंट है, क्लियर है। तो इस टाइप से आप कन्वर्ट कर सकते हो किसी को भी। जैसे और एग्जांपल की अगर हम बात करें, तो ये तो था 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा तो चेंज होंगे। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम, फाइंड
साइन या सॉरी टेन ले लो, टेन 150 डिग्री। तो देखो टेन 150 डिग्री, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि 150 डिग्री है वो सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, और सेकंड में जो टेन थीटा होता है वो नेगेटिव होगा, तो इतना कंफर्म हो जाना चाहिए ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव होगी। तो देखो टेन 150 है तो इसको हम लिख सकते हैं टेन 90 प्लस 60 या 180 माइनस 30 भी कर सकते हो। तो देखो टेन 150 वैल्यू जो नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव साइन सबसे पहले लगा देंगे यहाँ पर, उसके बाद देखो टेन 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है तो टेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट थीटा में। तो ये हो जाएगा देखो टेन 90 प्लस थीटा को हम लिख देंगे कोट थीटा, थीटा मतलब 60 डिग्री, और कोट 60 की वैल्यू अभी आपको एक टेबल बताई जाएगी, उस टेबल में आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू होती है 1/√3, क्लियर है? तो ये आंसर हो जाएगा, क्लियर है? तो इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये चीजें ध्यान रखनी है बस, अगर 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट होंगे, चेंज हो जाएंगे, और चेंज इस टाइप से होगा। और 180 प्लस माइनस थीटा या फिर आप इसमें 360 प्लस माइनस थीटा भी लिख सकते हो, तो इस केस में कोई चेंज नहीं होता है, साइन साइन में ही रहेगा, कोस कोस में ही रहेगा, क्लियर है? उसके बाद देखो कुछ एक टेबल है, इसको अपने को लर्न करना है, ये आपको बताया गया होगा। देखो कैसे याद करना है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखना है, सबको 4 से डिवाइड करना है, और फिर सबका अंडर रूट करना है। देखो ये तो हो जाएगा 0 अपॉन कुछ भी 0 होगा, उसका अंडर रूट करेंगे तो भी 0 रहेगा, ये 1 का अंडर रूट करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 1/2 बन जाएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा, देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2। इसको हम लिख देंगे √3, और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2, और ये 4, 4, 1 हो जाएगा, 1 का अंडर रूट 1, क्लियर है? तो अब ये जो वैल्यू है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये वैल्यू किसकी होती है इसको समझते हैं। तो देखो ये तो है, इधर लिख लेना 0 डिग्री, इधर 30 डिग्री, इधर 45 डिग्री, इधर 60 डिग्री, और इधर 90 डिग्री, क्लियर है? तो ये तो है अपनी साइन की वैल्यू, साइन थीटा। तो साइन 0 देखो होता है 0, साइन 30 हो जाएगा 1/2, साइन 45 हो जाएगा 1/√2, साइन 60 हो जाएगा √3/2, और साइन 90 हो जाता है 1। ऐसे जब कोस थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, इधर से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, 1/2, और 0। इसका मतलब ये है कोस 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, कोस 90 कितना हो जाएगा 1। तो ये ऐसे लर्न करना है। उसके बाद हम लिखेंगे टेन थीटा, देखो टेन थीटा होता था साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, तो ये साइन थीटा ही कोस थीटा, इसको इससे डिवाइड करके लिख दो तो 0/1, ये हो जाएगा 0, 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी, हो जाएगा √3, और 1/0 ये होता है इन्फिनिटी। ध्यान रखना किसी भी चीज़ में जब 0 का भाग देंगे हम तो हो जाता है इन्फिनिटी, 1/0 दैट इज इन्फिनिटी। अब ये तीनों अपने को याद होनी चाहिए, उसके बाद साइन की वैल्यू पता चल गई, कोस की पता चल गई, टेन की पता चल गई। अब अपने को पता है जो कोसेक थीटा होता है,
वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। तो देखो जीरो का उल्टा हो जाएगा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा हो जाएगा 2/1, या 2 लिख दो उसको। इसका उल्टा हो जाएगा √2/1, दैट इज √2। इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, और 1 का उल्टा मतलब 1 का उल्टा मतलब 1/1, दैट इज अगेन 1। क्लियर है? तो ये कोसेक थीटा की वैल्यू होती है, मतलब कोसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी, कोसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे ही कोस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी, देखो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसका करेंगे तो √2, इसका करेंगे तो 2, और 0 को उल्टा करेंगे तो इन्फिनिटी। क्लियर है? ये हो जाएगा। अब आता है लास्ट कोट थीटा। तो कोट थीटा होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो टेन थीटा, ये इसको उल्टा कर दें तो 0 को उल्टा करेंगे इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, इन्फिनिटी को उल्टा करेंगे तो 0। क्लियर है? तो ये टेबल सबको एकदम लर्न होनी चाहिए। इसके हेल्प से हम 90 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं 0, 30, 45, 60, 90, उनकी वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो हमने पढ़े थे क्वाड्रेंट सिस्टम, इसकी हेल्प से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।